चैनल फ्रेंड, आज हम बात करने वाला हूँ हैदराबाद से विशाखापट्टनम तक के फ्लाइट के फेयर चार्ज क्या है आज के डेट में। कोरोना के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। हैदराबाद से विशाखापट्टनम तक का डिस्टेंस कितना है, कितना समय लग सकता है हमें फ्लाइट से, कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, सब चीज़ें इसमें बताने वाले। इस वीडियो में वीडियो को लाइक करो, अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस है 513 किलोमीटर, एक घंटा 5 मिनट के आसपास में लग सकता है इस फ्लाइट को। उसके बाद एयरपोर्ट कोड्स की बात करूं तो हैदराबाद का है HYD, विशाखापट्टनम का है VTZ। अब चलते हैं सीधे बुक करके आपको दिखाते हैं कैसे बुक करना है आपको फ्लाइट्स। यहां पर आ जाना है सीधे goaviv.com पे। यहां पर आने के बाद भी वन वे लगाना है, वहां पर आपको डाल देना है हैदराबाद विशाखापट्टनम। जिस भी डेट को आपको जाना है आना है जो भी अपना सेलेक्ट कर लो, मान लो 2 तारीख को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वन ट्रेवलर इकोनॉमिक क्लास सीधे सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे ही सर्च करोगे बहुत सारे आपको फ्लाइट्स के डिटेल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो स्पाइस जेट का है, 6:45 पे है, 1 घंटा 45 मिनट समय लगेगा, 8:30 विशाखापट्टनम पहुँचा देगी। 4,453 रुपये फ्लाइट के फेयर चार्ज हैं। सेकंड है इंडिगो का, 6:50 पे 1 घंटा 30 मिनट समय लगेगा, 8:20 पहुँचा देगा विशाखापट्टनम। 4,453 रुपये फ्लाइट के फेयर चार्ज है। उसके बाद है इंडिगो का 11:10 पे 1 घंटा 15 मिनट समय लगेगी, 12:25 पहुंचा देगी, 4,453 रुपये फेयर चार्ज है। अब इसी तरह से बहुत सारे फ्लाइट के टिकट हैं, समय समय के अनुसार आपको जो भी बुक कर सकते हो। अब जैसे मान लो हमें ये बुक करना है स्पाइस जेट का, तो यहाँ पर वी फेयर पर क्लिक करेंगे, इसमें 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो नीचे बुक कर सकते हो, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। मान लो हमें ये बुक करना है तो सीधे बुक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें बोर्डिंग पास दिख जाती है जिसमें आपको पूरी डिटेल दी रहती है, कितने तारीख को है, कितने बजे है, कितना समय लगेगा, कब पहुंचाएगी, सब चीज़ें रहता है। बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट दी जाती है, कितना आपको पे करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको पढ़ लो, इसका आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद अपना पर्सनल डिटेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब देने के बाद आगे पेमेंट करो। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी पे करके जो अमाउंट साइड में आ रहा है, जैसे ही पे करोगे आपकी ईमेल आईडी पे, आपके मोबाइल नंबर पे सब मैसेज आ जाता है ई टिकट का। आप अपना ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।